जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट। बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की कई फिल्में लगातार असफल रहीं, लेकिन इस बार कंगना को उम्मीद है कि उनकी नई फिल्म इमरजेंसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिलेगा। कंगना रनौत की फिल्म एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है जो प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक एजेंडे को भी फायदा पहुंचा सकती है। संसद में इस मुद्दे का माहौल बनने के बाद कंगना ने अपनी फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, कंगना ने संसद में संविधान की किताबें दिखाने वाले विपक्ष के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि उनकी फिल्म इमरजेंसी विपक्ष की काली करतूतों को उजागर करने वाली। कंगना का कहना है कि फिल्म का आधार राजीव गांधी द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक और उनके परिवार से मिले दस्तावेज से है। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार होना। कंगना के इस बयान पर विभिन्न नेताओं और हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी है। वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कंगना के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा, कंगना को इमरजेंसी के बारे में कोई अनुभव नहीं और यह भी एक फिल्म का फाइनेंसर ही उन्हें निर्देशित कर रहा है। स्वामी ने यह भी कहा कि पहले भी इमरजेंसी पर बनी फिल्में असफल रही हैं और कंगना की यह फिल्म भी उन्हीं की तरह असफल हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच कंगना रनौत और स्मृति ईरानी की समानता की बातें भी की जा रही है। लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी से भी दो कदम आगे कंगना रनौत। आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान कई गलतियों को स्वीकारा था और माफी भी मांगी थी। राहुल गांधी ने कहा कि आज की समस्याओं जैसे बेरोजगारी और पेपर लीक पर चर्चा होनी चाहिए, न कि 50 साल पुराने इमरजेंसी के मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी के नेता भी संविधान की किताबें लेकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इमरजेंसी को लेकर सत्ता पक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, न कि पुरानी घटनाओं पर। कंगना रनौत ने अपने बयानों से अपनी फिल्म का प्रमोशन करने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी फिल्म के लिए गहने और प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है। कंगना को उम्मीद है कि कश्मीर फाइल्स की तरह उनकी फिल्म को भी बीजेपी नेताओं को समर्थन मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि कंगना की उम्मीदें इस बात पर भी टिकी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उनकी फिल्म इमरजेंसी को समर्थन देंगे। फिल्म का प्रमोशन करते हुए कंगना ने विपक्ष के नेताओं को चुनौती दी है, लेकिन सवाल यह है कि उनका यह प्रचार उनकी फिल्म की सफलता सुनिश्चित कर पाएगा या नहीं। कंगना रनौत की बयानबाजी उनकी फिल्म के प्रमोशन के पीछे राजनीतिक अस्पष्ट रूप से नजर आ रही है। अब यह देखना होगा कि इमरजेंसी फिल्म को बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन मिल पाता है अथवा नहीं। फिलहाल दोस्तों वायरल हो रहे कंगना रनौत के इस वीडियो पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें साझा करें।